नमस्कार साथियों, मैं राकेश सारस्वत टेगोटेस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी की तरफ से टेगोटेस को ढेर सारा प्यार दिन प्रतिदिन मिलता चला जा रहा है। अब जिस तरह से हमारे ब्लॉग्स को देख रहे हैं, उससे हमें प्रतीत होता है कि हमारे ब्लॉग्स आपको बहुत पसंद आ रहे हैं। आप हमारे ब्लॉग्स को हमारी वेबसाइट www.techgotest.com पर भी देख सकते हैं। और आप सभी से हम एक अपील करना चाहते हैं कि हमारे ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सभी ज़रूरतमंदों तक समय से पहुंच सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि समय पर आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहें और हमारे ब्लॉग्स को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने समुदाय में शेयर करते रहें। और उनसे भी आग्रह करें कि वे हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। साथियों, हम सीटेट के प्रथम पेपर का सिलेबस अपने पिछले ब्लॉग में दे चुके हैं, तो अब इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं सीटेट के सेकंड पेपर के सिलेबस को। हमने हिंदी में फिर से तैयार किया है आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए। सीटेट का संपूर्ण सिलेबस का संपूर्ण सारांश हमारे टेगोटेस चैनल पर ही आपको मिल सकता है। आप इसी सिलेबस के आधार पर अपनी पूरी तैयारी करें। विषय की शुरुआत से पहले आइए एक नज़र अपने चैनल की ओर डालते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूले। धन्यवाद। साथियों, शुरुआत करते हैं पहले विषय यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के साथ। इसमें से 30 प्रश्न मिलेंगे। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला बाल विकास, इसमें से 15 प्रश्न मिलेंगे। दूसरा समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, इसमें से 5 प्रश्न मिलेंगे। तीसरा सीखना और शिक्षा शास्त्र, इसमें से 10 प्रश्न मिलेंगे। तो आइए चलते हैं पहले भाग बाल विकास। बाल विकास में विकास की अवधारणा और इसके संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता, सहकर्मी, पियागेट, कोहलबर्ग और बायोगोत्सुगे, निर्माण और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण। अगला बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं, इसके आगे इंटेलिजेंस के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य और बहुआयामी खुफिया, भाषा और विचार, एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग, लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास। के आगे शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, विविधता के आधार पर मतभेदों को समझना, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि। अगला टॉपिक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन के बीच अंतर, इसमें स्कूल आधारित मूल्यांकन, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास। इससे आगे शिक्षार्थियों की तत्परता के स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, बढ़ाने के लिए कक्षा में सीखना और महत्वपूर्ण सोच और शिक्षार्थी उपलब्धि का आकलन करना। ये पहला खंड हो चुका। अब दूसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, इसमें से 5 प्रश्न आएंगे। इसके अंदर जो टॉपिक हैं वो हैं वंचित और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना, दूसरा सीखने की कठिनाइयों, हानि आदि वाले बच्चों की जरूरतों को संबोधित करना, तीसरा प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से विकलांग शिक्षार्थियों को संबोधित करना। अब चलते हैं तीसरे खंड की ओर, सीखना और शिक्षा शास्त्र। इसमें से आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। इसमें जो टॉपिक्स होंगे वो ये हैं, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, कैसे और क्यों बच्चे स्कूल में सफलता प्राप्त करने के लिए असफल होते हैं इसका प्रदर्शन, दूसरा शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, सीखने की बच्चों की रणनीतियाँ, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक संदर्भ। इससे अगला है एक समस्या हल करने वाले और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा। अगला टॉपिक है बच्चों में सीखने की वैकल्पिक धारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को समझना महत्वपूर्ण है सीखने की प्रक्रिया में कदम। इससे आगे अनुभूति और भावनाएं, प्रेरणा और सीखना, सीखने में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरण। ये पहला विषय हो चुका है। इसके सभी बिंदुओं को ध्यान से पढ़ें और इसी के आधार पर आपके प्रश्न आएंगे और पेपर अच्छे से करें। चलते हैं अगले विषय की ओर, जो है भाषा फर्स्ट। इसमें से आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है भाषा समझ, इसमें से आपको 15 प्रश्न मिलेंगे। दूसरा भाग है इसका भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र, इसमें से भी आपको 15 प्रश्न मिलेंगे।
तो चलिए बात करते हैं भाषा समझ के। इसके अंदर है अनदेखे अंशों को पढ़ना, दो अंश एक गद्य या नाटक और एक कविता जिसमें समझ, अनुमान, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्न है। अब चलते हैं दूसरे भाग की ओर, भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र। इसके अंदर जो बिंदु है महत्वपूर्ण जिनको आपको तैयारी करनी है, जो आपके सिलेबस में है, सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। आगे मौखिक रूप से और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए एक भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। आगे एक विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकारों, भाषा कौशल, भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुविषयी संसाधन और उपचारात्मक शिक्षण। ये आपके भाषा फर्स्ट के सभी टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं और इसकी तैयारी भी आप इसी सिलेबस के आधार पर करें। अब चलते हैं आगे के विषय की ओर, जो है भाषा सेकंड। इसमें से भी आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला भाषा समझ, दूसरा भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र। दोनों में से ही 15-15 प्रश्न मिलेंगे और ये बिल्कुल सेम उसी तरह है जैसे भाषा फर्स्ट का बताया है, वही सिलेबस है। तो इसी के आधार पर आप अपनी पूरी तैयारियां करें। अब चलते हैं अगले विषय की ओर, जो है गणित और विज्ञान। इसमें से 60 प्रश्न मिलेंगे। इसमें पहले गणित है, इसमें 30 प्रश्न मिलेंगे। इसके अंदर जो पाठ हैं अब उन पर प्रकाश डालते हैं। जो पहले खंड में 20 प्रश्न मिलेंगे, संख्या प्रणाली के अंदर आएगा आपका, हमारी संख्याओं को जानना, संख्याओं के साथ खेलना, संपूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और पूर्णांक और अंश। दूसरा है बीजगणित। इसके अंदर जो टॉपिक्स होंगे आपके, बीजगणित का परिचय, अनुपात और समानुपात। तीसरा है रेखा गणित। इसके अंदर जो टॉपिक्स होंगे, बुनियादी ज्यामितीय विचार 2D, प्राथमिक आकृतियों को समझना 2D और 3D, समरूपता प्रतिबिंब निर्माण, स्ट्रेट एज एंगल यानी पैमाना, प्रोट्रैक्टर कंपास का उपयोग करके माप और डेटा हैंडलिंग। अब गणित का दूसरा भाग शैक्षणिक मुद्दे। इसमें से आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। इसके अंदर जो टॉपिक होंगे वो होगा आपका गणित, तार्किक सोच की प्रकृति, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्याएं। इसकी तैयारी भी आप इसी सिलेबस के आधार पर करें और गणित में साथियों ठोस नंबर मिलते हैं। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अगर गलत है तो आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे। तो ये मेन सब्जेक्ट है, इसकी तैयारी आप ठीक से करें। चलते हैं विषय विज्ञान की ओर। इसमें से भी आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है, पहले भाग में से 20 प्रश्न मिलेंगे। इसके अंदर आपके टॉपिक होंगे खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ के अंदर आपको मिलेगा भोजन के स्रोत, भोजन के घटक, भोजन की सफाई, दैनिक उपयोग की सामग्री, जीवन की दुनिया, चलती चीजें, लोग और विचार, चीजें कैसे काम करती हैं, विद्युत धारा और पर्वत, मैग्नेट, प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक संसाधन। विज्ञान का दूसरा भाग, उसमें से आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। इसके अंदर जो टॉपिक होंगे वो कुछ इस प्रकार हैं, विज्ञान की प्रकृति और संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य, विज्ञान को समझना और सराहना करना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, अवलोकन, प्रयोग, खोज, विज्ञान की विधि, नवीनता, पाठ्य सामग्री, मूल्यांकन, संज्ञात्मक, साइकोमीटर, भावनात्मक समस्याएं और उपचारात्मक शिक्षण। चलते हैं अगले विषय की ओर, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान। इसमें से भी आपको 60 प्रश्न मिलेंगे। इसके पहले खंड में से आपको 40 प्रश्न मिलेंगे। इसके खंड में जो आएंगे आपके चैप्टर इतिहास, इतिहास के अंदर मिलेगा आपको कब, कहां और कैसे सबसे पुरानी समितियां, पहले किसान और चरवाहे, पहले शहर, प्रारंभिक राज्य, नए विचार, पहला साम्राज्य, दूर की भूमि के साथ संपर्क, राजनीतिक विकास, संस्कृति और विज्ञान, नए राजा और राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, एक साम्राज्य का निर्माण, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियां, कंपनी पावर की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज, 1857 से 1858 का विद्रोह, महिलाएं और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती देना, राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद भारत। अगला विषय होगा भूगोल। अंदर जो टॉपिक होंगे वो होगा भूगोल, एक सामाजिक अध्ययन के रूप में और एक विज्ञान के रूप में। ग्रह, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पर्यावरण अपनी समग्रता में प्राकृतिक और मानव पर्यावरण, वायु, पानी, मानव पर्यावरण, निपटान, परिवहन और संचार, संसाधन, प्रकार, प्राकृतिक और मानव, कृषि। तो अगला टॉपिक है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। इसके अंदर विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, जीवन यापन करना, प्रजातंत्र,
राज्य सरकार, मीडिया को समझना, लिंग अनपैकिंग, संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और हाशिए पर रहने वाले। अब दूसरा खंड है शैक्षणिक मुद्दे। इसमें से आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। इसके अंदर जो टॉपिक्स होंगे वो कुछ इस प्रकार हैं: सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और प्रकृति, क्लासरूम प्रक्रियाएं, गतिविधियां और प्रवचन, आलोचनात्मक सोच विकसित करना, पूछताछ, अनुभव, चयन, साक्ष्य। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की समस्याएं, स्रोत, प्राथमिक और माध्यमिक, परियोजनाओं का काम, मूल्यांकन। ये शैक्षणिक मुद्दा कंप्लीट हो गया। इसमें से आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। तो साथियों, ये हिंदी में सिलेबस हमने आपको दिया है सीटेट का। इसके आधार पर आप अपनी पूरी तैयारियां करें और इसी में से आपके प्रश्न आएंगे। आप जितनी अच्छी तैयारियां करेंगे उतने ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। हम आपको शुभकामना देते हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए कि आप इस सिलेबस के आधार पर तैयारी करें और अपने पेपर को बहुत अच्छे नंबरों के साथ क्लियर करें। धन्यवाद। Guys, thank you so much for watching the video. We hope you liked our video. Our aim is only and only to give the right knowledge to our audience. See you again.